फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपा लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहे हैं 10:30। आज तो मैं ब्लॉग को स्टार्ट 9 बजे से किया था, ब्रेकफास्ट किया, फिर लिटोन चले गए थे गोडाउन। उसके बाद मैंने मम के लिए सब कुछ जो अरेंज करना था वो किया, सुबह का जो बर्तन था वो धोया, फिर मैंने अभी मम का खिचड़ी जो है गैस पे बिठा के फिर मैं आई हूँ आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। और हमारा घर में क्लीनिंग का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर जो भी सारे कपड़ा देख रहे हो ना, इसके अंदर पहले मम का खिलौना हुआ करते थे, फुल भर जाते थे उसका खिलौना। मैंने वो खिलौना को बस्ते पे भर के, बस्ता भी नहीं है ना मेरे पास, तो मैंने एक ऐसा वाला मैस्की लिया था जो नाइटी रहते हैं ना, वो नाइटी लिया था, उसको इधर से ऐसे करके एक गीत बोलते ना ऐसे करके बांध लिया था, फिर इसको पलट दिया था। हाँ फिर वो बस्ता टाइप का हो गया था, उसके अंदर मैं सारे खिलौना रख के उसके ऊपर रख दी हूँ, मैं दिखा रही हूँ। और उसके ऊपर जो है ना ये वॉशरूम के ऊपर जो बांकर टाइप का है ना, उसमें लिटोन उठा था, मैं उसका एक क्लिप उठा के रखी हूँ, दिखाऊंगी। वही उठते हैं साफ करने के लिए, मेरे से तो नहीं होएगा, उठा था। फिर उधर जो भी सारे एक्स्ट्रा सामान था, कुछ बर्तन था जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा रहते, वो सारे निकाल के वो आते हैं ना कचरा लेने के लिए कचरा वाली, उसको दे दिया। बहुत सारा बर्तन था, जैसे कि कढ़ाई था, 2 हंडी था, एक गैस भी था, पर गैस नहीं दिया, गैस ऊपर ही है, और वो गैस अच्छा है, उसको बाद में हम रिपेयर करके यूज़ भी कर सकते हैं, वो स्टील का है और एकदम हेवी वाला है। तो और भी जो सारा छोटा मोटा बर्तन इसके अंदर है, ये बेड के नीचे, उसको मैं निकालूंगी आज या कल, फिर ये भी दे दूंगी, क्योंकि मैं इतना सारा बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ, रख के कोई फ़ायदा नहीं है। रुको मैं सीटी बंद कर जाती हूँ। सिटी पड़ गया था, खिचड़ी बन गया था तो सिटी नहीं पड़ रहा था, ऐसे ही आवाज़ हो रही थी। तो मैंने ये जो मेरा अलमीरा है ना, इसके ऊपर मैंने क्लीन कर दिया। और मैंने जो नया वाला अलमीरा लिया ना, वो तो बहुत दिन पहले लिया था, गोडाउन पे पड़ा है, अभी तक घर पे नहीं लाए हैं। ये जो मेरा ये वाला अलमीरा है ना, सेम इसके हाइट में भी और साइड में भी ये वो 3 डोर का है, तो दोनों को एक साथ रखेंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा ना। और हाँ, इसका अंदर जो चीज़ें हैं सब कुछ धोने वाला चीज़ें मैं रखी हूँ, एकदम सामने ही रखी हूँ। अगर मैं इधर उधर रखती हूँ तो भूल जाती हूँ, बाद में धोया नहीं होते, और पानी अभी 40 मिनट्स तक के लिए पानी आते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी निकाल के धोना पड़ते हैं। और उधर थोड़ा सा मैसी लग रही है, क्योंकि वो सारे सब कुछ भी हमें अभी दे देना है, तो उसको उधर रखे हैं। एक दिन में ही अगर सब देंगे ना तो नहीं होगा, अरे एक ही को क्यों दे, जब बहुत लोग आते कचरा लेने के लिए अलग अलग का। मेरा बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो था, जो कि ये बेड के नीचे था, कुछ उस बेड के नीचे था, मतलब वो सोफा कम बेड जो है उसके नीचे था, लिटोन का कुछ कपड़ा, सब कुछ मैंने एक बैग में भर के रखी हूँ। रुको बैग लेके आती हूँ मैं, तो जितना हो सके मैंने इसके अंदर भर के रखी हूँ सब नया 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 जो कपड़ा मुन ने 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहना था जब वो छोटी थी। मेरा कुछ ऐसा कुर्ती जो कि मैंने पहना ही नहीं है, इतना फिटिंग्स हो गया था वो मेरे बॉडी पे और थोड़ा पतला था, इसलिए मैं नहीं पहनी थी। और लिटोन का भी कुछ जीन्स है जो कि एकदम पूरा अच्छा है, वो सारे सब कुछ जितना इसमें आ गया मैं रखी हूँ, क्योंकि मुझे अनाथ आश्रम वाले से आते हैं ना, उन लोगों को देना है ये जीन्स। और भी बहुत सारा है, वो मैं बाद में निकालूंगी, एक दिन में नहीं होते ना, तो बाद में निकालूंगी, उन लोगों को बोल के रखूंगी कि इस दिन आना, तो फिर आप लोगों को और भी मिलेगा। तो इसके लिए मैं बैग में भर के रखी हूँ, वो जब भी आएगा मैं ये बैग, मतलब ये बैग के अंदर जो है उसके साथ ये बैग भी मैं दे दूंगी उन लोगों को।
तो ये कल का एक वीडियो क्लिप है जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए उठा के रखी थी, क्योंकि कल मैंने कोई ब्लॉग जो है शूट नहीं किया था। तो आज हम लोग ऊपर जो है पूरा साफ़ करने वाले हैं, और वो थोड़ा देर बाद वो गोडाउन जाने वाले थे, इसके लिए वो मेरे साथ हाथ बटा रहे हैं और मून भी इस साइड में खड़ा था। ऊपर से सारे सामान नीचे पहले रखेंगे, उसके बाद ऊपर को साफ़ करेंगे। जो इस घर का ओनर का चीज़ है वो हम साइड में रख के हमारा जो चीज़ है वो हम कचरा वाली या फिर कोई भी रहेगा तो उसे दे देंगे। तो ये जो सारे बर्तन मैं अभी निकाल रही हूँ सारे के सारे हम देने वाले हैं सिवाय ये गैस के। तो बहुत सारा बर्तन था, और जो घड़ा टाइप का रहते हैं ना ये भी बहुत सारा, दो या तीन शायद था, वो सारे सब कुछ भी हम देने वाले हैं, क्योंकि ये सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो घर पर ऐसे ही पड़ा रहते हैं। इससे अच्छा तो किसी को दे दूँ, तो वो लोग जैसे कि कचरा जो लेने के लिए आते हैं ना वो लोग चौल में रहते हैं तो उसको पानी दूर से लेके आना पड़ते हैं ना, तो उसे अगर मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा। इसीलिए सब निकाल के रख रहे थे कि आज सुबह जो है दे देंगे। फ्रेंड गुड नाइट ही बोलूँ, इवनिंग नहीं है अभी, अभी 9:30 बज गए हैं पता है। और आज का दिन ना पूरा बकवास गया मेरा, कोई अच्छा कोई काम ही नहीं हुआ मेरे साथ, तो क्या शेयर करती। फिर लाइट गया 4:30 बजे तक, फिर आया पता है कब, 6:30 बजे, 4:30 बजे लाइट जाके 6:30 बजे लाइट आया, तब भी मैंने घर से निकल गया मून को लेके बाहर से घुमाने के लिए। घर आया ऐसे ही बैठे थे, कोई काम नहीं था, फिर लिटोन आया तो बाहर गया उसके साथ, फिर से थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा था तो वो खा के आ गया। और फ़ैन में बंद करके बातें नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी है तो मुझे फ़ैन चालू करके ही बातें करना पड़ रही है, प्लीज़ आप लोग ये थोड़ा सा इग्नोर करना हाँ। और रात को जो है दाल है दोपहर का, और मैं एक फ्राई कर लूँगी, पता है आप लोग बोलोगे आप कितना एक खाते हो, पर क्या करें आज कोई ऑप्शन ही बचा नहीं है, आज कुछ नहीं है जो फ्राई करूँ मैं, तो एक ही है तो एक फ्राई करूँगी। दाल है और राइस, बस यही हो जाएगा डिनर में हमारा। मून का जो सूजी है वो बस हम बना के अभी रखे हैं, मून अभी उसके पापा के साथ बाहर से थोड़ा सा टहलने के लिए गया है, सब बच्चे खेल रहे हैं तो मून आ जाएगा, उसको मैं डिनर करवा के सुला के फिर हम लोग डिनर करके सो जाएंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ, और मैं आप लोगों को बोला था ना कि एक चीज़ दिखाऊंगी, ये देखो मेरा जो मैस्की है ना, मेरा ये जो नाइटी है ना पूरा नया है, इसको मैंने कभी नहीं पहना था क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा अलग था, थोड़ा डिफेक्ट था इसके शेप में, तो मैंने इसको ऐसे ही एक क्या बोलते हैं बस्ता टाइप बना लिया। उसके अंदर मैंने वो जो सोफे के ऊपर हमेशा जो कुशन रहा करते थे ना, वो सारे के सारे कुशन जो है मैंने ऊपर रख दिया। मून आ गया है, बाद में बात करती हूँ ठीक है। सो फ्रेंड सारे काम कंप्लीट, मेरा स्किन केयर भी डन हो चुकी है, और मुझे ना अभी थोड़ा सा एक बातें बोलना है आप लोगों को, उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। आज पूरा दिन ऐसा कुछ मैं खास आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, फिर भी मैंने ब्लॉग बनाया क्योंकि
आप लोग बोलते हो आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, तो मैंने सोचा डेली का जो मेरा लाइफस्टाइल है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। तो आज का लाइफस्टाइल क्या है, कैसा गया मेरा, वो भी शेयर कर देती हूँ। तो आप में से ना कुछ लोग मुझे बोले हो कि आपका हस्बैंड कितना पतला है, आप उसे खाना नहीं देते हो क्या? तो उसे जितना खाना है मैं उतना ही देती हूँ। मैं ऐसे ज़बरदस्ती उसको ठूसती नहीं हूँ कि ठूसो मतलब ये खाओ ये खाओ ये खाओ ऐसा। उसको जो पसंद वो वही खाते हैं। और वो जो है ना पहले इतना पतला नहीं था, पहले थोड़ा ठीक ठाक था, पर अभी जो है वो ज़्यादा पतला हो गया है। क्योंकि उसका एक रीज़न भी है, उसके किडनी में स्टोन है, तो मेरे पापा को भी है और लेटन को भी है। तो ऐसे ना किडनी में स्टोन ज़्यादा ये नहीं है, ऐसे ज़्यादातर लोगों को ही होते हैं। अभी देखते हो मैं जो बिल्डिंग में रहती हूँ यहाँ पर आधे लोगों को ही ऐसा किडनी में स्टोन है। तो उसका जो है माइल्ड स्टोन है, डॉक्टर का दवाई अभी तक चालू है। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि वो ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूरिन के माध्यम से ही निकाल जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी जो है किडनी में स्टोन है तो वो उसका वेट जो है गेन होना अच्छा नहीं होगा। उसका वेट अगर ऐसे रहेगा तो ठीक है, पर एकदम कम हो जाना वो भी ठीक नहीं है, पर वेट जितना गेन कम होगा ना उतना अच्छा है। और वो पहले से ना खाना बहुत कम खाते हैं। उसकी मम्मी भी ऐसे ही बोलते हैं कि वो पहले से, वो जब छोटे थे ना तब से ही वो ज़्यादा इतना मोटे मोटे नहीं थे, वो पहले से ही वैसे ही पतला ही है। तो और मुझे वो ऐसे ठीक ही लगते, इतना नहीं लगते, इससे भी पतला होते हैं लोग। और वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे और मोटा नहीं होना है। वो जैसा है उससे वो आराम से काम वगैरह जो करना है वो कर पाते हैं। और वो उस फिगर में ना उसका एक आदत बन चुकी है, उसको उससे ज़्यादा जब वो वेट हो जाते हैं ना तो उसको ठीक अच्छा नहीं लगते। वो बोलते मैं इसमें बहुत अच्छे हूँ। आप लोगों ने देखा ना इतना ऊपर ऊपर भी वो चढ़ जाते, उसको पेड़ पे चढ़ना या फिर ब्रिज से, उसने जो नीचे रिवर रहते हैं और ऊपर ब्रिज रहते हैं ना, वो ब्रिज से रिवर में ऐसे स्विमिंग करते थे, पता है, उधर से जंप लगा के नीचे जाके स्विमिंग करते थे। उसका बचपन से ही ये सब आदत है। वो शायद वो पतला है इसी वजह से उसके ये सारे आदत जो है। उसके ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव साइड है जो कि मैंने आज तक आप लोगों को बताया नहीं, एक दिन बताऊँगी मैं आप लोगों को उसका ये सारे जो दिख है। उसको बहुत सारे चीज़ों के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें उसके मम्मी बोलते, वो मुझे नहीं बोलते थे। मैं जब कोलकाता जाती हूँ ना तब मेरे सास के साथ जब बातें करती हूँ तब मेरे सास बोलते हैं कि वो ऐसे ऐसे थे, ये कर पाते वो कर पाते हैं। और पता है उसको लिटन को ना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी पूरा आते है, वो कभी सीखा नहीं, कभी उसके ऊपर काम भी नहीं किया क्योंकि वो बिजनेस करते हैं। तो वो सारे चीज़ उसको अच्छा लगते करने में, पर उसने उस सारे चीज़ों के ऊपर कभी काम नहीं किया। जैसे कि टीवी खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए या फिर फैन खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए, वो सारे सब कुछ वो रिपेयर कर सकते। कभी ये सारे काम उसने किया नहीं, खुद से ही वो सब उसने सीखा है। तो ये सारे दिख मुझे लगते हैं उसका बहुत अच्छा अच्छा दिख है। और ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो बोलते हैं खाना दो तो वो मोटा हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा करके खाना दो, पर मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगती। जो उसे नहीं पसंद उसको क्यों मैं ज़्यादा करके दे दूँ खाने के लिए? उसका मन ना चाहे वो काम नहीं करना चाहिए, मेरे प्रेशर से उसको वो काम क्यों करना पड़ेगा ना? वो खुद का लाइफ है, खुद की तरह से जिए। मैं भी ऐसे ही पसंद करती हूँ कि मेरा खुद का लाइफ है, मैं खुद की तरह जीऊँ। पर हाँ, मेरे हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ, हम दोनों के ऊपर दोनों का एक हक है, जो हक हम मेंटेन करके चलते हैं। हाँ, तो मुझे नहीं लगते कि उसको इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना कि तुम ज़्यादा करके खाओ। ऐसा नहीं, जो कमेंट किया है उसने गलत तरीके से कमेंट नहीं किया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। उसने बस ऐसे ही बोला कि अब उसको खाना दो। ऐसे बहुत लोग रहते हैं ना जो लोग सोचते हैं पर कमेंट में नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बोला मैंने। बस मेरे मन की थोड़ा बहुत बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया। और बस यही एक ही मजबूरी है जो कि मैं उसको खाना क्यों नहीं देती, क्योंकि वो खुद लेते नहीं है तो मैं क्यों दूँ उसको खाना ऐसा। तो चलो फ्रेंड, गुड नाइट। आज का ब्लॉग मैं एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। पर वो वाला ब्लॉग इतना बोरिंग नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होगा। हाँ।